आपके साथ कभी ना कभी हुआ होगा कि आप खड़े ही जगह आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन हो चुकी है, लेकिन ये जो काम कर रहा है ना, ये आपके कम से कम 8,000 रुपए बचा सकता है। तो अभी सबसे पहले इसके लिए हमको खोलना पड़ेगा ये डैशबोर्ड। ये थोड़ा सा मगजमारी वाला काम है। मगजमारी वाला मतलब कि इसको फिट करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे छेद करना है। तो इनर रिंग मतलब अगर आप बाहर से लोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये छेद इतना काफी है। तो अभी मीटर लेके एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा पॉजिटिव है। वैसे तो रेड वाला, जनरली रेड वाला पॉजिटिव होगा और ब्लैक वाला नेगेटिव, तो हम पॉजिटिव इसमें दे देते रेड में। ये हमने इग्निशन ऑन करा और यहाँ पे आ गई अपनी वोल्टेज और 59% है अभी क्योंकि इंजन ऑफ है। गुड इवनिंग फ्रॉम बिदर, वेलकम बैक टू अनदर DIY वीडियो। तो आज की वीडियो में हमारे पास आ चुका है एक छुटकू सा प्रोडक्ट, इसका नाम है बैटरी कैपेसिटर इंडिकेटर। तो इसके रेट पे मत जाओ, रेट इस पे लिखा हुआ है 800 इतनी सी चीज़ के लिए, लेकिन ये जो काम कर रहा है ना, ये आपके कम से कम 8,000 रुपये बचा सकता है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले इसको खोलते हैं, खोल के देखते हैं कि अंदर क्या है। तो बेसिकली ये है एक वोल्ट मीटर, तो मतलब जो आपके साथ कभी ना कभी हुआ होगा कि आप खड़े ही जगह आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन हो चुकी है, तो ये उस टाइम पे काम आएगा जब आपको पता नहीं है कि आपकी कार में बैटरी कितनी बाकी है। थैंक्स फॉर चूजिंग अस, कॉल अस बिफोर इंस्टॉलेशन। ज़रूरत नहीं है कॉल करने की, अगर आपको इसकी वारंटी क्लेम करनी है तो ये QR कोड है, इसको रख देते हैं। और अगर आप अंदर देखोगे तो आपको मिलेगा एक ये छोटा सा वोल्ट मीटर। तो ये टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन मतलब कि इसमें दो ऑप्शन है, आप एक बार इस पर क्लिक करोगे तो इसमें आपको बताएगा कि कितना वोल्ट चार्ज आ रहा है, और दूसरी बार क्लिक करोगे तो ये परसेंटेज बताएगा। तो मेरा प्लान है कि इसको कार में कहीं पर फिट करते हैं, ओह मेरा सर लग गया। तो मेरा प्लान ऐसा है कि इसको कार में ऐसी जगह लगाते हैं ताकि ये ऐसा लगे कि कंपनी से ही आया है। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है मैंने पहले मंगाए थे टाइगर के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि टाइगर से ज़्यादा कार को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने ये धक्का मार के स्टार्ट कर लिया। तो मैं बता रहा था कि इसके प्राइस पे मत जाना, मतलब इसका प्राइस वैसे तो 800 है। मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से लोगे तो मे बी आपको शायद 450 से लेके 500 तक मिल जाए। तो सबसे पहले हम खोलेंगे दो नट। तो एक नट हमने यहाँ से खोला, ये थोड़ा सा मगजमारी वाला काम है। मगजमारी वाला मतलब कि इसको फिट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से लॉकिंग थोड़ी सी देख के खोलना, एक यहाँ से खुल गई और एक यहाँ से खुल गई। तो ये हो गया अपना फ्रेम, इसको साइड में रख देते हैं। अभी हमको देखना है कि हमें ये लगाना कहाँ है। तो मेरा प्लान ऐसा है कि इसको हम लगाएंगे यहाँ पे, बिल्कुल इंजन स्टार्ट स्टॉप के साइड में। तो अभी सबसे पहले इसके लिए हमको खोलना पड़ेगा ये डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड के लिए अपने को स्क्रू ड्राइवर डाल के इसकी लॉकिंग आराम से खोलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये टूट गई ना भाई, उसके बाद फिर आपको नया सेट ही लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई स्क्रू नहीं होते, जितने भी होते हैं लॉकिंग के ऊपर ही होता है। तो ये यहाँ पे निकाल के यहाँ रख दो, और ये जो ऊपर AC का वेंट है इसको ऊपर रहने दो। और हमको चाहिए ये स्टार्ट स्टॉप बटन, थोड़ा सा मीटर ऊपर करके ये खुल गया। तो ठीक है, अभी इसको करते हैं, इसमें छेद करते हैं, छेद करके इसको फिट करते हैं यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे छेद करना है, ठीक है। तो इनर रिंग मतलब अगर आप बाहर से लोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम इतना ले लेते हैं, इतना मार्क। इसमें पहले एक ड्रिल कर देते हैं इससे, ये छेद इतना काफ़ी है, क्योंकि इसके आगे हमको आई थिंक इसको घिसना ही पड़ेगा। अगर हमारा स्टार्ट बटन यहाँ पे है ऐसे, तो ये इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा, ये अपना हो गया। अब इसको चल के फिट कर देते हैं। तो अभी इसकी देख लेते हैं वायरिंग। इस बार जो वायर लगानी है ना, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लगाई है, क्योंकि इसको डायरेक्ट लिंक करना है इग्निशन के साथ। अगर कहीं भी गलती से कुछ शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो कार नहीं फूकनी चाहिए। तो ये पॉजिटिव अपना पॉजिटिव लग गया यहाँ पे, और ये ब्लैक वाला नेगेटिव। और अब इसको डायरेक्ट दे देंगे यहाँ पे, ये जो इग्निशन का स्विच आ रहा है इनको कनेक्ट कर देंगे। तो अभी मीटर लेके एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन सा पॉजिटिव है।
वैसे तो रेड वाला जनरली रेड वाला पॉजिटिव होगा और ब्लैक वाला नेगेटिव, लेकिन इसमें बहुत सारे वायर एक अर्थिंग भी होगा, तो एक बार चेक कर लेते किसमें 12 वोल्टेज आ रही है। तो हम पॉजिटिव इसमें दे देते रेड में इग्निशन के, और जो नेगेटिव है सामने ये नट दिख रहा है नेगेटिव उधर, अब इसको लगा देते इसमें। इंजन स्टार्ट स्टॉप का यहाँ पे लगा दिया, अब देखते हैं एक बार। ये हमने इग्निशन ऑन करा और यहाँ पे आ गई अपनी वोल्टेज, ठीक है। एक क्लिक करेंगे तो बैटरी के परसेंट बताएगा, 39% है अभी क्योंकि इंजन ऑफ है। तो ठीक है, अब इसको पैक कर देते हैं। लोकेशन भी बिल्कुल सही है, यहाँ से अपना इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन लग जाएगा, तो मतलब ओवरऑल परफेक्ट काम। ये लॉक हो गया और यहाँ से डैशबोर्ड लॉक हो गया, मतलब पुराना लॉकिंग सिस्टम पे कहीं भी कुछ नटवट नहीं होते, जो भी होता है एक एक लॉक होता है, और अगर ये लॉकिंग टूट जाए तो आपको पूरा सेट नया लेना पड़ेगा। तो अभी आप देखोगे तो जैसे ही मैंने स्टार्ट दबाया, अभी ये इग्निशन आया, इग्निशन पे आते ही ऑन हो गया। अभी ये दिखा रहा है 11.9 वोल्ट और 59% बैटरी। ओके, अभी जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूँगा, अभी आप देखोगे वोल्टेज बढ़ती रहेगी क्योंकि डायनमो इंजन को चार्ज करता है। अभी देखोगे 12.4, 12.5 ऐसे करके 13.8 तक जाता है। तो ये प्रोडक्ट ना मेरे हिसाब से बहुत ही अंडररेटेड है, मतलब ये जो एमी कार्ड बना रहा है, ये चीज़ एमी कार्ड को सीधा कंपनी से बात करनी चाहिए और ये इनबिल्ट आना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ना बहुत बार बच सकते हो। अगर आप अकेले हो तो आप धक्का तो लगा ही नहीं सकते, और आप हर वक्त एक एक्स्ट्रा बैटरी कैरी नहीं करोगे। तो ठीक है, ऐसी मॉडिफिकेशन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अभी तो इसमें लगा, इसके बाद ऐसा ही एक सेम अपनी टाइगर में लगेगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो बेल आइकन दबा दो, और अगर दोनों काम कर रखे हैं तो एक छोटा सा बढ़िया सा कमेंट कर दो। मिलते हैं हम बहुत जल्दी ऐसी ही कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पूरे घर में धुआं धुआं हो जाएगा, फिर मम्मी सोचेगी कि पता नहीं सिगरेट विगरेट पीने लग गया कहीं इधर।